दोस्तों, आज मैं आपको सोल्डरिंग चैप्टर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताऊंगी कुछ। तो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोटे तारों व केबल में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का सोल्डर अधिक उपयुक्त होता है। तो इसके लिए हम लोग कठोर सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छोटे कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए कौन सी सोल्डरिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं तापमान नियंत्रक आयरन से सोल्डर करना। तीसरा प्रश्न है हमारा, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टीन तथा लेड का अनुपात क्या होता है। तो इसका आंसर होगा 63:37। नर्म सोल्डर प्रायः की जाती है 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ में क्या विशेषता होनी चाहिए। इसका उत्तर होगा कि उसे शुष्क जोड़ नहीं होना चाहिए, जोर पर अतिरिक्त सोल्डर ना लगे हुए होने चाहिए, जोर चमकदार व भूरा हुआ होना चाहिए, जोर चमकदार व भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा रेजिन। सातवां क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है। तो नाइक्रोम। जोर पर बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। चालकता, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन पहला है, स्पेल्टर का गलनांक सिल्वर सोल्डर से ज्यादा होता है। हाँ, ये कथन तो सत्य है। कथन दूसरा है कि स्पेल्टर का प्रयोग प्लम्बर व सीट मेटल